हाय गाइस, आई एम नैना एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ व्लॉगिंग। आज है करवा चौथ, सबको ही पता है। एंड आज मेरी मम्मी व्रत हैं, मेरी भाभी व्रत हैं, भाभी का पहला करवा चौथ है। एंड आई एम सो एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिव सीजन। एंड सब लोग को मेहंदी लग रही है अभी, तो चलिए हम लोग देखते हैं। नहीं, मेरी भाभी जी, इनके एक हाथ में मेहंदी लग गई है, दिखाइए भाभी मेहंदी, इधर थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये शिखा ने लगाई है मेहंदी, शिखा जो कि मेरी कज़िन है। और ये देखो भाई, इतना कंसंट्रेट किस पे हो रहा है, ये हो रहा है बिग बॉस पे। बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन है ये, हमेशा बिग बॉस, इनका सूट ही नहीं, इनका बिग बॉस नहीं छूट सकता, भले ही खाना बनाना ही भूल जाएं। और इनको ठंडी तो देख लो भाई, इतनी धूप निकली है फिर भी इनकी ठंडी तो देख लो, कितनी ठंडी लग रही है इनको। स्वेटर भी पहनी है प्लस शॉल भी ओढ़ी है, लग रहा है आज व्रत है तो सारी ठंडी लग जाएगी इन्हीं को। आज भाभी भैया का इंतज़ार कर रही हैं, अभी वो आए नहीं हैं, वो जॉब करते हैं तो बाहर रहते हैं, तो उनका वेट कर रही हैं। देखो भाई क्या हाल चाल हैं, देख रहे हैं, वेट नहीं कर रहे। हाँ भाई और पता है आज क्या हुआ कि सुबह सुबह कपड़े धुल रही थी ये मशीन में, एंड शौर्या आया, शौर्या मेरी भाभी का लड़का है, वो आया, बोल रहा है चाची चिप्स खाओगी, तो बोल रही है बेटा मेरा हाथ गंदा है तुम खिला दो, ऐसे करके खाने जा रही थी। तब तक मेरी मम्मी देख ली, बोली फास्ट हो फास्ट, तो बोलिए अरे मम्मी आप याद दिला दी, बहुत अच्छा की हंस रही है भाभी के एक हाथ में मेहंदी लगाना बचा है तो मैं जा रही हूँ लगाने, और चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। यार टूटी फूटी, मतलब कैसे बताऊँ, मैं थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, बहुत अच्छी नहीं लगा पाती हूँ ना ही बहुत खराब लगाती हूँ, मीडियम में लगा लेती हूँ। तो चलो देखते हैं, पता है क्या होता है, और जैसे मैं लगाऊं मेहंदी किसी की अच्छी लग जाती है, किसी के ख़राब लग जाती है, तो क्या बोलेंगे तुम उनके जान जान के अच्छी लगाई हो, मेरे ख़राब लगाई हो। मैं बोलती हूँ अरे यार मैं जैसे लगा पाती हूँ वैसे लगा दी, आप देखो भाभी क्या कहती है, मैंने इनके कैसे लगाई है, डिजाइन टेढ़ी हो रही है। अरे वो धीरे धीरे सही हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अरे कंसंट्रेट करो भाई मेरी मेहंदी पे। पूरी लग गई है, बस केवल ये उंगलियों में बचना है इसको भरना, फिल करना। भाभी क्या पता है क्या बोलते हैं, मेहंदी रचना या मेहंदी रखना, क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं, और हम लोग क्या मेहंदी लगाना बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ, और गाइस बताओ मैंने मेहंदी अच्छी लगाई है या खराब, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे 10 में से, आप लोग प्लीज बताओ। ढाई ले ले ऐसे नहीं, आप लोग बताओ। भाभी आपको कौन सी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है? मुझे दोनों अच्छी लग रही है। अरे वाह इसमें तो पूरा है, इसमें तो आधा अधूरा काम करती है नैन्सी। भाई सारी प्रिपरेशन हो गई है, जो जितना हम लोग क्या खाना बनना था उसकी भी प्रिपरेशन हो गई है, मेहंदी भी सबके लग गई है। मम्मी मार्केट गई थी तो वहाँ से आ गई हैं, उनकी भी मेहंदी लग गई है। सो अब हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे, तो मिलते हैं आपसे शाम को। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं साफ करने, जहाँ पे हम लोग को करवा बनाना है, मम्मी लोग पूजा करेंगी, नहीं छत अभी इसको धुलना है। पूरी छत धुल गई जितनी हम लोग को धुलनी थी, अब हम लोग उसको सूखने का वेट करेंगे। गाइस ये है गेरू और ये है आलता और ये है एपन। चावल के आटे में पानी मिलाया गया है तो उसे एपन बोलते हैं हमारे यहाँ। गाइस ये हम लोग करवा चौक बना रहे हैं, हमारे यहाँ गोले के ऊपर गोला ऐसे करके डिज़ाइन किया जाता है करवा को, पर हमारे भाभी के यहाँ सिर्फ चंद्रमा बनाया जाता है, वो भी एपन का। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाया जाता है कमेंट करके बताइए।
गाइस ये एक ट्रेडिशनल डिश है, ये आज के दिन हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। इसे हमारे यहाँ यहाँ फरा बोलते हैं, और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताएं। गाइस ये अभी पके नहीं हैं, इनको स्टीम करने के बाद ये पक जाते हैं एज लाइक मोमोज। गाइज मम्मी लोग रेडी हो रही हैं, मम्मी और भाभी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हो रखी है। सो मम्मी का मेकअप करने वाली हूँ मैं, भाभी खुद से मेकअप करेंगी, क्योंकि मम्मी लोग तो आप जानते हो मम्मी लोग तो ऐसे ही अपने आप को परफेक्ट समझती हैं। चलो भाई ठीक है, मेरा क्या है, मेरा तो ऐसे ही ठीक है, पर ऐसे नहीं ठीक है, मैं करूँगी मम्मी का मेकअप, भले ही उनको नहीं लगाना है कुछ चीज़ें तो मत लगाओ, आई शैडो नहीं लगाना तो मत लगाओ, पर मेकअप तो मैं ही करूँगी आज। ओके गाइज तो वो लोग रेडी हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मम्मी को मैं रेडी कर रही हूँ, भाभी खुद से रेडी हो रही हैं, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइट चली गई है, तो इन्वर्टर वाली लाइट है, तो इससे क्वालिटी अगर कोई इश्यू होता है तो आप लोग उसको ज़्यादा ध्यान मत दें, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए मैं मम्मी को रेडी करके सबका फाइनल लुक दिखाती हूँ, मम्मी और भाभी का। तो ये रही मेरी मम्मी जो कि रेडी हो गई हैं, भाभी भी रेडी हो गई हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो गाइस पूजा की थाली रेडी हो गई है, इसको मैंने डेकोरेट किया है, कैसी लग रही है पूजा की थाली। और इसमें एक है लोटा, एक है ग्लास, तो जिसमें जो रखना होगा मम्मी लोग रख लेंगी। दूध रखा जाता है एक में और एक में जल रखा जाता है। दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आज जिस पर्सन का नाम मैं अपने वीडियो में लेने वाली हूँ उसका नाम है नेहा अग्निहोत्री फ्रॉम दिल्ली, साक्षी प्रियदर्शी फ्रॉम बाराबंकी, सुहानी सिंह फ्रॉम बाराबंकी। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं अपने आने वाली वीडियोज में लूँ तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना नाम लिखना है, साथ में आप कहाँ से हो वो भी मेंशन करना है। सो गाइज मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।